first and third Sundays of the month at two different locations. One is Sunset Club, the other is this one. So, आपने इसलिए तालियां बजा लें. हमारे आज के मुकारे स्पीकर के नाम अर्शद, डॉक्टर अर्शद रोवी साहब हैं. तो रिक्वेस्ट लिए हैं नहीं, लेकिन मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि डॉक्टर साहब अपना एक दूसरे को चलाते हैं माइंड स्पीड के नाम से. यहाँ पे वो मुख्तलिफ कोर्सेस बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में ऑफर करते हैं. हमारी कुछ किस्मत ही है कि आज ये इसी दफा हमारे दरमियान मौजूद है और टॉपिक है 10 ड्रॉप्स टू टेक यू ऑन द टॉप. आपकी तालियों में डॉक्टर अर्शद रोवी साहब. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुतमईन रहता है दिल उस काम के अंजाम से जिसका हम आगाज करते हैं खुदा के नाम से. आज का ये टॉपिक कुछ ऐसे सेशंस होते हैं कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये आपकी अपनी क्रिएशन है, मतलब दिस इज नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स. ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने दो चार चीजें इधर उधर से उठाई और जनाब टॉपिक बना दिया, कोई आपने टॉपिक सुना और बना दिया. अच्छा, एक दिन में बैठा हुआ था और कुछ रिसर्च वर्क चल रहा था तो एकदम से एक लाइन पढ़ी मैंने और उस लाइन के नतीजे में ये लाइन मेरे दिमाग में आई और मैंने कहा क्यों ना एक ट्रेनिंग सेशन इस पे बना दिया जाए. तो जब ये चार साल से ये प्रोग्राम डिजाइन हो चुका था और दिमाग में चल रहा था, अभी इसको हमने न्यू ईयर पे लॉन्च किया तो पार्टिसिपेंट्स एंड में ये कहने लगे सर ये तो ज्यादा इसका फोकस ये स्पिरिचुअल सेशन हो गया, यानी ये तो आपने कुछ ऐसी चीज करा दी कि ये तो हम काफी वर्षों से ढूंढ रहे थे, ये तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेके जा रही है. फिर एक दिन मैं ड्राइविंग कर रहा था और तस्बीह हाथ में थी, एकदम से जिलानी साहब का शक्ल दिमाग आ गई दिमाग में और फिर मैंने कहा कि क्यों ना लिंकर्स के दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जाए. सो आज का ये सेशन, इस सेशन का नाम है, ये बहुत ट्रिकी सा नाम है. जिसको लॉन्च किया तो भी हमारी परेशान हो गई कि सर मैं क्या बताऊं ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि क्या ये कोई ड्रॉप सुबह शाम पीने होंगे हमें, इस तरह की कॉल आ रही है ठीक है, और या ये ड्रॉप्स क्या हैं, ये साइड इफेक्ट्स, अजीब अजीब कॉल आना शुरू होगी. तो मैंने कहा कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना, जो समझदार लोग हैं वो खुद आ जाएंगे. तो फिर ये जनाब सेशन हुआ और आज आपके सामने है. तो पहले जो इसका जो पहला स्टार्ट ही है वो है ब्रेन स्ट्रॉबिंग से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसको सुन के. 10 ड्रॉप्स टू टेक यू ऑन द टॉप. यस, एनीवन? 10 कमांडमेंट्स. ओके, यस. ओके, कुछ ऐसे रास्ते जो एक्सीलेंस की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो मैं दो पेन लेके आया था, तो एक पेन तो मैं चाहूंगा कि जिरानी साहब इनको दे दें अपने हाथों से. उन्होंने बहुत अच्छा जो है वहां तक पहुंच गए. ये पेन जो है मल्टीपर्पज पेन है, 4 in 1 ठीक है. और मैं चाहूंगा कि ये जनाब योगी साहब को आप दे दीजिए, ये फर्स्ट टाइम जो है. दूसरा जो है वो सवाल से पहले ही हो जाए वो. अच्छा, इस पेन की खासियत ये है कि अगर आप टीवी देखने का दिल चाहे तो इस पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं अपना. So, okay, let's see. देखें जिंदगी में ये जितनी भी बातें आज हम करेंगे ये सारी आपने सुनी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन why I am discussing all this because I want you to emphasize on these things, practice these things, inculcate these things in your mind
and never let it go. इन चीजों के बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी, इन चीजों के बगैर बचपन से सुनते आए हैं बहुत सी चीजें, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं. क्यों प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, आप सबको पता है कि मोबाइल का इस्तेमाल बेजा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सुबह उठते के साथ ही पहली क्या चीज होती है? मोबाइल होती है. ठीक है, फिर जब मैंने इसको 31st को यानी न्यू ईयर पे लॉन्च किया ये प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि अब मुझे क्या चीज प्रैक्टिस करनी है इसमें से और क्या अप्लाई करना है, क्या ऐसी चीज है जो मुझे छोड़ना है. तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम से टीवी निकाल के बाहर कर दिया. ठीक है, और वो दिन है और आज का दिन है, यानी अभी कोई इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, 10 किताबें खत्म कर चुका हूं. तो मतलब प्रैक्टिकल करना है. मैं ट्रेन द ट्रेनर्स करवाता हूँ सेशन, 6 वॉल्यूम चल रहा है अभी आजकल, आज की सेशन है दूसरा सेशन उसका 6 वॉल्यूम का. तो उसमें मैं अपने ट्रेनर्स को कहता हूं कि वॉक योर टॉक, अदरवाइज सिट एट योर होम. आप कहते हो फियरलेस बन जाओ, कामयाब बन जाओ, ये कर लो. आप पिछले 5 साल से वहीं पे हो, आप तो कुछ नहीं कर रहे. तो या तो करो या फिर छोड़ दो ये फील्ड. तो जो आप बता रहे हैं उसको हमें प्रैक्टिकली खुद करना होगा, अप्लाई करना होगा, तभी जाके कहते हैं ना कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. और जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारी जिंदगी में एक एक करके वो शामिल होती रहती हैं और हम उनको छोड़ नहीं पाते. क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि लज्जत होती है उन चीजों में ना. मिसाल के तौर पे अभी आपको जो है डॉक्टर के पास जाए, आप डॉक्टर कहता है आपको ECG है, ECG में सही रिपोर्ट नहीं आई है, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं और आपका एक बॉल भी बंद है, फिर भी पिज्जा सामने आ जाए तो चख लेंगे 2 पीस पर. क्योंकि लज्जत है, छोड़ नहीं सकते. मोबाइल फोन लज्जत है, टीवी लज्जत है, MBA में भी लज्जत है. MBA कौन बताएगा? MBA देखिए, ये आजकल मेरे पास MBA के बहुत केसेस आ रहे हैं. MBA, what is MBA? MBA में कहता हूँ इसको बड़े तमीज के स्टाइल में, माँ बाप मैरिड बट अवेलेबल. अच्छा, तो ये केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ. तो जब केसेस आते हैं तो मैं कानों को हाथ लगाता हूं कि मतलब क्यों ना हम पे अजाब नाजिल हो, क्यों ना हम पे अजाब नाजिल हो. अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कर. सो तो आई होप के हम में से बहुत से लोग MBA होंगे, लेकिन ये वाला MBA नहीं होंगे. BBA भी. अच्छा, ठीक है. सो बात हम कर रहे थे कि ये सारी चीजों में लज्जत है और जिस चीज में लज्जत हो वो हम छोड़ते नहीं है. और जब छोड़ते नहीं है तो क्या होता है? हम अपनी फ्रीडम को दांव पे लगा देते हैं, अपनी सेहत को दांव पे लगा देते हैं, अपने करियर को दांव पे, अपनी जिंदगी भागते रहते हैं कामयाबी की तलाश में. अब मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई एक ऐसा शख्स जिसके पास पीस ऑफ माइंड हो, सक्सेसफुल इतना हो कि अब उसकी जिंदगी में मतलब वो लेने वाला तो कहीं से हो ना, 24 घंटे देने वाला, सेहत उसकी आइडियल हो, तो मुझे आप ये बताइए कि हम भी जाते हैं, बैठते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, बाहर भी जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो तो वो फिर कभी रिसेप्टिव मोड में नहीं होगा. अंडरस्टैंड इट, वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होगा, वो बैठ के सेशन नहीं ले रहा होगा बल्कि वो सेशन दे रहा होगा. बात समझ रहे हैं आप? अगर मैं भी बाहर जाता हूं आज भी सेशंस लेने, हर साल एक दफा जरूर जाता हूं सीखने कुछ, तो मकसद क्या होता है? कुछ नया सीखें.
नया सीखने का मकसद यह है कि समथिंग इज मिसिंग दैट आई एम इन सर्च ऑफ. ट्रू. तो पता ये चला कि व्हाट इज इट दैट इज मिसिंग इन आवर लाइफ. वो मिसिंग फैक्टर है क्या कि जिसकी वजह से हम इतने ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इधर उधर जाते रहते हैं, सीखने की तलाश में रहते हैं. सीखने का अमल तो देखिए कभी खत्म नहीं होता. ये तो एक फैक्ट है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग लेवल की बात है. सीखने का अमल खत्म नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी के तौर पे जो हम सीखने की तलाश में लगे रहते हैं, तो फिर वेयर इज द होल इन द बकेट. माय क्वेश्चन इज वेयर इज द होल इन बकेट. क्यों पानी भर के लाते हैं फिर बाल्टी खाली. बाल्टी पे एक वाकया याद आया कि एक शख्स कहने लगा कि हम पुराने पाप तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि समझ में नहीं आता तो इसका असर कैसे होगा. वी कांट होल्ड इट, सो हाउ इट विल चेंज ओवर लाइफ. तो दरवेश ने कहा कि बेटा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो बाल्टी पड़ी है और सामने दरिया है, पानी भर के लिया. वो जाता है बाल्टी उठाते, बाल्टी को हाथ लगाते हुए भी उसके हाथ काले हो जाते हैं. कोयले यानी उसके जरिए कोयला भरा गया था, कोयले में अटी हुई होती है, काली होती है. वो जाता है और जितनी देर करता है सारा निकल चुका होता है, क्योंकि उसमें कई सुराख होते हैं. फिर कोशिश करता है जरा तेज भाग के आ जाऊंगा, फिर कोशिश करता है, फिर आधे रास्ते से थोड़ा ज्यादा में पानी सब निकल जाता है. देश के पास आता है, वो कहता है कि मैंने 10 चक्कर लगा लिए और इसमें सुराख है, पानी कैसे भर के लाऊं. वो कहते हैं बाल्टी को उठा के देखो जरा. वो देखता है, कहता है क्या फर्क है. कहता है पहले काली थी, हाथ भी काले हो गए और अब इस चक्कर में हाथ तो सफेद भी अंदर से चमक गई. उसने कहा बाल्टी ने पानी होल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से चमका दिया. जब पुराने पाक पढ़ोगे, चाहे तुम समझो या ना समझो, तुम अंदर से चमक जाओ, अंदर से चमक जाओगे. तो ये बात चली थी बाल्टी में सुराख कहाँ है. हम इतना सीखते हैं तो वो कहां पे होल है कि जो कोई चीज रुकने नहीं देता. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आगे बढ़ने का स्टाइल है और उसके नतीजे में जो चीजें हमारे साथ चिपक जाती हैं, उनको आज आपने समझना है. और चीजें होल्ड करना, मंकीज, आपको पता है मंकीज को जो पकड़ते हैं, मंकीज ट्रैप क्या होते हैं. एक ट्रैप तो ये होता है कि जैसे बड़ा सा कद्दू लिया, उसको खाली कर दिया अंदर से, छोटा सा सुराख उसमें, और अंदर जो है वो पीनट रख दिया, या कोकोनट के साथ बहुत से लोग करते हैं, या स्पेशल किस्म के केजिस बनाते हैं, राइट. और फिर क्या होता है, मंकी बड़े शौक से हाथ अंदर डालता है और हाथ वापस नहीं आता. क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी लज्जत की चीज उसके हाथ में है. आपकी लज्जत की चीजें आपके हाथ में है, छोड़ते नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर कितने लाइक मिले कैसे पता चलेगा, टीवी पे क्या खबरें चल रही है, क्योंकि सबसे बड़े फ्लॉपर तो हम ही हैं, कमेंट करना है हमने पाकिस्तान की हुकूमत कितनी दिन चलेगी, ठीक है. वो पेट में दर्द होता है, हम हाथ नहीं छोड़ते, वी डोंट लेट इट गो. और नतीजतन क्या होता है, पकड़ा जाता है. उसको सिर्फ समझना चाहिए कि जिंदगी ज्यादा कीमती है या ये केला, ये पीना कीमती है, या टीवी के सामने बैठना कीमती है, या EMA. EMA क्या है ये तो बता देंगे आप लोग. EMA, यूज योर कॉमन सेंस. EMA, एक तो EMI होता है, क्या चीज जरूरी है, मोबाइल जरूरी है या हमारी फ्रीडम, टीवी जरूरी है या हमारी नॉलेज, ठीक है, पीस ऑफ माइंड जरूरी है या EMA, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स.
ये मैंने दोबारा एज ए साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट दोबारा ये वर्ड यूज किया से आप समझे कि मौसम में ये कितना चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं। सो हमें इन चीजों को छोड़ना होगा। अब जो हम बातें करने वाले हैं वो सारी वो बातें हैं जो आपने पहले से सुनी हुई है। टाइम कितना है हमारे पास? बहुत है, बहुत है, बहुत है। आगे बढ़ना, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें उन चीजों को प्रैक्टिस करना होगा, अप्लाई करना होगा जो हमें आगे बढ़ने में रोक सकती हैं। क्या चीजें हमें रोकती हैं? तो ये हैं 10 ड्रॉप्स। क्या है ये? 10 ड्रॉप्स। These are the 10 ड्रॉप्स that you have to drop in your life. जब मैं हर ड्रॉप के एंड में हम करेंगे आई ड्रॉप, तो आपने एक बार प्रैक्टिस कर ले, इस तरह करना है आई ड्रॉप। इसको जरा एक्शन से अच्छे स्टाइल से कर ले, आई ड्रॉप। और जो भी चीज माइंड में होगी तो फील करेंगे वो आपके हाथ में, आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, राइट। So the first drop is the first drop जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, क्या है वो? Fast. अच्छा देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सारी वो चीजें हैं जो आपने पहले सुनी होंगी किसी ना किसी तरह, लेकिन आज आप सुने कि आपने इसको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अप्लाई करना है, अदरवाइज इन सेशंस का कोई मकसद नहीं है। इन सेशंस का अभी एक और भी चीज आएगी, तो मैंने आपको पहले किसी सेशन में एक असाइनमेंट दिया था, मैं पूछूंगा वो क्या है, मुझे याद आया 2-3 साल पहले, तो लेट्स सी कितने लोगों को याद होगा। सो ड्रॉप द पास्ट। पास्ट क्या चीज है? आप देखें अफ्रीका के जंगलों में रोजाना सुबह होती है सूरज निकलता है और एक हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक शेर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है। हिरन इसलिए भागता है कि उसने अपनी जान बचानी है और शेर इसलिए भागता है कि कहीं वो उस दिन भूखा ना रह जाए। फिर भी अक्सर हिरन जान से हाथ धो देते हैं, हिरन की रफ्तार ज्यादा होती है उससे, लेकिन क्यों वो पकड़ाई में आ जाता है, क्यों वो ट्रैप हो जाता है? क्योंकि हिरन भागते भागते हर थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखता है कितनी देर है, कितनी दूर है, और इस पीछे देखने से उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है, उसकी प्रोग्रेस में फर्क आता है, उसकी मेंटल जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क आता है। और अल्टीमेटली, क्योंकि जब आप फिकर को सोचोगे तो आप थक जाओगे, थकावा महसूस करोगे, आपका वो एनर्जी लेवल नहीं होगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, नतीजतन क्या होता है? वो पकड़ा जाता है। हम में से कितने लोग हैं जो पास्ट में कभी ना कभी जाते रहते हैं? जस्ट ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, कितने लोग पास्ट में जाते रहते हैं? ठीक है, वेरी नाइस। तो अब आप ये देखें कि पास्ट क्या चीज है। पास्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम। पास्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम, दैट्स इट, नथिंग मोर। हर शख्स के पास में कुछ अच्छी चीजें होती हैं। अब अगर अच्छाई को आप सोचते रहेंगे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अगर नेगेटिव चीजों को सोचते रहेंगे उससे आप लेसन नहीं देंगे, सोचते रहेंगे आप हमेशा लो एनर्जी में रहेंगे। तो आपने सिर्फ उस पास से लेसन लेना है, उस किताब को हमेशा के लिए बंद करना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पास एक ऐसी चीज है जिसका फ्लेवर कहते हैं ना कि डोंट अलाउ योर पास to spoil your present. और जब present spoil होता है तो दर हकीकत क्या spoil होता है? Future. क्योंकि what is future? Future is nothing but the result of actions that you take in present. आप चाहते हो अच्छा future हो, आप आज अच्छा करना शुरू कर दो। आप चाहते हो future में आपके लिए 10 लोग खड़े हों गैप से मदद करने के लिए, आज जाओ 10 लोगों की लैब से मदद कर दो जो आपसे कोई तवक्का नहीं रखते, जिनको आपसे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है, जिनके लिए आप बिल्कुल अननोन हो, आपके लिए 10 नए लोग होंगे। और ये चीजें मैंने देखी, ये सारी चीजें मैं आपको वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है और जिनका रिजल्ट खुद देखा है।
जिंदगी में कहीं ना कहीं. सो व्हाट यू हैव टू से, होल्ड योर पास्ट. I drop my past. I drop my past. I drop my past. And simply कहना काफी नहीं है. जिंदगी में बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते. क्यों नहीं तरक्की कर पाते? आप देखें, माइंड साइंसेस के कोर्सेज कर रहे हैं. माइंड साइंसेस में आपने मतलब जो ना सुना हो कम है, सारे इतने अरसे से इस फील्ड में है, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं है वैसी. क्यों? What is the missing factor? Practicing. What is that missing factor? Yes. Determination. ठीक है. किसी ना किसी हद तक सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन I would say what is the right word? Persistence. ठीक है, persistence भी कह सकते हैं. इसको मैं कहता हूँ discipline. ठीक है, डिटर्मिनेशन भी सही है, परसिस्टेंस भी सही है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, डिसिप्लिन. क्योंकि डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है? डिसिप्लिन कहता है आपको करना है वो चीज जो करना चाहिए उस वक्त जब आपका दिल नहीं चाह रहा. फोकस. जब आपका दिल नहीं चाह रहा. हमारी आर्मी में क्या चीज है सबसे ज्यादा? सुबह 5 बजे उठने का दिल नहीं चाहता, लेकिन 1 विसल पे उठते हैं. ठंडे पानी से नहाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन नहाते हैं. एक्सरसाइज का बुखार में दिल नहीं चाहता, लेकिन वो डबल एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि बुखार खत्म हो जाए. करो उस वक्त जब तुम्हारा करने का दिल नहीं चाह रहा. दिस इज डिसिप्लिन. और ये डिसिप्लिन की कमी है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमें आपको कहा कि भाई ये प्रैक्टिस करनी है, टेलीपैथी में एक्सपर्ट हो जाओगे. आपसे कहा कि ये आपने टाइम फिक्स करके और ये एक्सरसाइज करनी है, थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगी. आपसे कहा आपने ये काम करना है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हेल्प मिलेगी. आप सीखते हो, 4 दिन करते हो, 5वें दिन घर में बच्चा बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते हो. शादी का कार्ड आ जाता है, आप कहते हो चलो रात में आके करेंगे, रात में थक जाते हो, कहते सुबह करेंगे. मतलब हर चीज को आपने टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ है सिवाय इन चीजों के. तो जब ऐसा है तो फिर क्या ये चीजें आपको कुछ अच्छा रिटर्न देंगी? अगर आपका कोई दोस्त आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखे कि जब उसके पास टाइम होगा आपको बुलाएगा, तो क्या आप उसको लिफ्ट कराओगे? सो टॉप प्रायोरिटी पे रखना है. आज जो ये 10 चीजें सीख रहे हैं, 10 में 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, ये 10 मैंने रखी है, आपके पास 10 फिंगर्स हैं. क्योंकि बस हर उंगली पे आपने एक याद करना है, इसको फिक्स करना है.